नमस्कार, डीडी उत्तराखंड के कार्यक्रम कोविड डायरी में मैं अखिलेश लिंगवाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कोरोना संक्रमण से पूरे विश्व के साथ भारत भी प्रभावित है। कोरोना संक्रमण के इस दौर में उत्तराखंड बाकी राज्यों से बेहतर स्थिति में है। हाल ही में मंगलवार को मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता करते हुए राज्य के कोविड 19 की स्थिति एवं केंद्र सरकार की गाइडलाइन के तहत दूसरे राज्यों से उत्तराखंड लाए गए लोगों के बारे में जानकारी दी। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कोरोना वायरस कोविड 19 से निपटने में उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में शुमार हो गया है। राज्य के मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश में अब तक कोविड 19 के कुल 61 केस आए हैं और इनमें से 39 मरीज ठीक हो चुके हैं। अभी तक हमारे यहाँ रिपोर्टेड डेथ 1 है और जो रिकवरी 39 केसेस में रिकवरी हो चुकी है और आज के दिन में 21 केसेस ऐसे हैं जो कि आज के दिन में एक्टिव हैं। इस प्रकार से इस प्रांत में जो कोविड पेशेंट्स हैं उनका रिकवरी का प्रतिशत 65% है और 65% में उत्तराखंड अपने देश का अग्रणी राज्यों में है, जहां प्रतिशत के अगर मात्रा में हम देखें तो ज़्यादा कोविड पेशेंट वो ठीक होकर अपने घरों को गए हैं। श्री उत्पल कुमार सिंह ने बताया कि मौजूदा समय में उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की टेस्टिंग 4 लैब में की जा रही है। अब आज के दिन में हमारे 4 टेस्टिंग फैसिलिटी तैयार हो चुकी है और हमारा टेस्टिंग कैपेसिटी अब 500 से ऊपर पहुंच गया है और बहुत शीघ्र हम इसे फर्दर और रैंप अप करने की स्थिति में होंगे। मुख्य सचिव ने बताया कि प्रदेश में 4483 उद्योगों को अनुमति दी गई है। जो उद्योगों की संख्या थी वो लगभग 3000 कुछ की थी, अब वो संख्या बढ़ के 4483 यानी कि लगभग हम 4500 उद्योगों को परमिशन दे चुके हैं। इसमें प्रमुख रूप से जो ज़िले हैं जहां ज़्यादा संख्या में उद्योग ने परमिशन ली है उसमें हरिद्वार में 1573 हैं, देहरादून में तकरीबन 500 हैं थोड़ा कम, और उधम सिंह नगर में 2000 से अधिक हैं। लेकिन खास बात यह है कि हमारे जो पर्वतीय जो ज़िले हैं वहाँ भी लोगों ने परमिशन लिया है और अपने उद्योग चालू किए हैं। मैं जो देख रहा हूँ फिगर, इसमें अल्मोड़ा भी है, इसमें बागेश्वर भी है, चंपावत है, चमोली है, सारे ज़िले, पिथौरागढ़ है, पिथौरागढ़ में 46 उद्योग ने परमिशन हमसे लिया है, रुद्रप्रयाग में 66 ज़िलों ने उद्योगों ने परमिशन लिया है। तो इस प्रकार से लोग जो उद्योगपति हैं वो सामने आ रहे हैं और वो परमिशन लेकर हमें उम्मीद है कि बहुतों ने खोल भी लिया है और बाकी लोग अपनी योजना बना रहे हैं और जो हमें आभास मिल रहा है कि बहुत जल्दी ये उद्योग भी हमारा प्रारंभ हो जाएगा। मुख्य सचिव ने बताया कि किसानों से गेहूं खरीद का काम भी तेज़ी से चल रहा है। पिछले बार जो फिगर रिपोर्टेड थी उसके बाद से आज जो मुझे ज्ञात हुआ है कि 169,069,000 क्विंटल गेहूं की खरीद भी की जा चुकी है और 30 करोड़ से अधिक धनराशि का वितरण जो हमारे किसान इन गेहूं को प्रोक्योरमेंट खरीद केंद्रों में जो ले आए थे उनका भी भुगतान जो 48 घंटे की जो समय सीमा निर्धारित की गई है उसमें उनका भुगतान कर दिया गया है और आगे भी ये प्रक्रिया चलती रहेगी और जैसे जैसे आवश्यकता होगी हम फंड्स अवेलेबल कराएंगे और इन किसानों के को भी हम ये उपलब्ध जो धनराशि है वो हम समय से उनका वितरण करते रहेंगे। मुख्य सचिव ने बताया कि प्रदेश के बाहर रह रहे लगभग 130,000 प्रवासियों ने उत्तराखंड लौटने के लिए पंजीकरण कराया है। 161,000 लोगों ने 161,000 लोगों ने रजिस्टर कर लिया था। इसमें अधिकांश तो हैं जो कि यहाँ वापस आना चाहते हैं अलग अलग प्रांतों से, लेकिन तकरीबन
30-35 हज़ार लोग ऐसे होंगे जो कि इस राज्य से अन्यत्र जाने के लिए हमारे साइट पे रजिस्टर किए हैं। इससे पहले हम केवल जिनको हम अपने राज्य में बुला रहे हैं उत्तराखंड के निवासियों को, उनका रजिस्ट्रेशन करते थे जब पिछली बार आपसे मुलाकात हुई थी। उसके बाद चूंकि यहाँ पर भी जो लोकल में जो उत्तराखंड में जो लोग इस समय स्ट्रैंडेड हैं, फंसे हुए हैं, निकलना चाहते हैं, उनका भी हमने रजिस्ट्रेशन पिछले दो दिनों से प्रारंभ किया था और अब फिगर जो है 1,61,000 हमारे पास ये फिगर पहुँच चुकी है। मुख्य सचिव ने कहा कि लॉकडाउन के सख्ती से पालन करने से हम प्रदेश में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने में सफल रहे। पुनः आप सभी के माध्यम से हम प्रदेशवासियों से यही अनुरोध करेंगे, यही निवेदन करेंगे कि जो हम धीरे धीरे नॉर्मलसी लाना चाह रहे हैं, ये एक प्रक्रिया है जो इसी प्रकार से चलती रहेगी। अगर हमने बहुत जल्दी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा, यदि हमने सफाई की ओर ध्यान नहीं रखा, तो फिर ऐसी परिस्थिति न आए जिसमें कि हमें फिर कुछ न कुछ पाबंदियां लगानी पड़े। हम नहीं चाहते हैं किसी प्रकार की पाबंदी लगे, नॉर्मल सी आए, उद्योग व्यवसाय चलें, लोगों को रोज़गार मिले, खेती हो और ग्रामीण अंचलों में लोगों को कार्य मिले। तो इन सभी के को दृष्टि में रखते हुए ये सारी व्यवस्थाएं अभी फिलहाल की जा रही हैं। कोरोना काल में कुछ लोगों द्वारा फेक न्यूज़ फैलाने की समस्या का संज्ञान लेते हुए पुलिस महानिदेशक ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं तथा लोगों से ऐसा ना करने की अपील भी की। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था अशोक कुमार ने चेतावनी दी है कि सोशल मीडिया पर झूठी अफवाह ना फैलाएं। उन्होंने कहा कि यदि कोई झूठी खबर या अफवाह फैलाता है तो उसके खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। गौरतलब है कि कोविड-19 को लेकर राज्य में आपदा एक्ट लागू है, अफवाह फैलाने पर इस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है। बहुत ही खेदजनक बात है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी के संबंध में बहुत ही दुखद और शर्मनाक और झूठी जो है फेक न्यूज फैलाई गई, उस पर हमने तत्काल संज्ञान लिया है। SSP देहरादून को आदेशित किया है कि इसके इमीडिएट FIR करें और ऐसे जो भी इसके दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी करें। था कि फेक न्यूज होगी, जो लोग अफवाह फैलाएंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा, किंतु ये तो थोड़ी लिमिट्स, सारे लिमिट्स पार हो गई हैं इसमें, तो ये बिल्कुल भी टॉलरेबल नहीं है। किसी भी हालत में इसके दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, इसके कॉन्स्पिरेटर्स को भी नहीं बख्शा जाएगा जिन्होंने ऐसा षड्यंत्र किया। लॉकडाउन 3 में लॉकडाउन की अवधि 17 मई तक बढ़ा दी गई है, जिसके साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा प्रवासी उत्तराखंडियों के घर वापसी के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं, जिसमें एक सामाजिक संस्था उत्तरकाशी आपदा प्रबंधन जनमंच द्वारा लोगों के पंजीकरण हेतु लिंक, मोबाइल नंबर तथा दिशा निर्देश जारी कर सहायता प्रदान की जा रही है। देखिए हमारी यह रिपोर्ट। उत्तरकाशी जिले के सैकड़ों युवा इन दिनों लॉकडाउन के चलते विभिन्न शहरों और जिलों में फंसे हुए हैं। प्रवासियों की मदद के लिए उत्तरकाशी के कई सामाजिक संगठन आगे आए हैं। यह संगठन प्रदेश सरकार द्वारा जारी वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन में आ रही दिक्कतों को दूर करने में सहायता कर रहे हैं। संगठन से जुड़े द्वारिका प्रसाद सेमवाल ने बताया कि हमने एक हेल्पलाइन बनाई है, इसमें 5 लोगों को जोड़ा है। यदि किसी प्रवासी को कोई पंजीकरण करने में कोई समस्या आ रही है तो वह हमारी टीम से संपर्क कर सकता है। उन्होंने कहा कि संगठन प्रवासियों को आगाह भी कर रहा है कि वो किसी भ्रामक वेबसाइट पर ना जाएं और ना ही किसी को अपने अकाउंट की डिटेल दें। ऐसी परिस्थितियों में कोई भी ठगी का शिकार हो सकता है। स्वैच्छिक संगठनों के साझा मंच उत्तरकाशी आपदा प्रबंधन जनमंच के द्वारा जो बाहरी राज्यों में हमारे लोग रह रहे हैं और जो घर आना चाह रहे हैं और जो उत्तराखंड की खबर को चाह रहे हैं कि सरकारें क्या कर रही है, कैसे आने का होगा, कैसे जाने का होगा, कैसे क्वारंटाइन का होगा, तो उसके लिए हम लोगों ने 5 नंबर हेल्पलाइन जारी की है कि जिसमें एक तो लोगों का ई पंजीकरण करवाया जा रहा है। अक्सर हमारे बहुत सारे साथी जो साउथ में है, महाराष्ट्र में, गुजरात में होटलों में, उनके पास 20,000 के मोबाइल तो है लेकिन ऑपरेट करने में दिक्कत आ रही है, ई पंजीकरण करवाने में दिक्कत आ रही है, तो हम लोगों ने उसके लिए भी और साथ ही जो सरकार के द्वारा जो फैसले लिए जा रहे हैं या जो सुविधाएं दी जा रही है
जिस पर भी बात की जा रही, तो उस सूचना को लोगों तक कैसे पहुँचाए सटीक तरीके से सत्यता के साथ, तो उसके लिए हम लोगों ने हेल्पलाइन नंबर जारी की। अभी तक हम लोगों ने 350 लोगों का ई पंजीकरण, उसके साथ ही 700 लोगों को परामर्श दे करके कि सरकार की क्या योजना है, क्या आगे होने वाला है, उसको लेकर के जो भी सूचना सरकार के हमारे पास आ रही, तो उसको हम लोगों तक पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं। मैं महाराष्ट्र में अन्य प्रवासियों की तरह फंसा हूं, पर मैं कमरे पर रहकर जब तक संभव हो सकेगा जाड़ी संस्था के साथ जुड़कर मैं यह कोशिश कर रहा हूं कि मेरे जो अन्य साथी बाहरी राज्यों में फंसे हैं, जिनको ई पंजीकरण करने में समस्या आ रही है, मैं उन लोगों का ई पंजीकरण कर रहा हूं, और मैंने अपना नंबर हेल्पलाइन नंबर में भी जारी कर रखा है, ताकि जिन लोगों को ई पंजीकरण करने में समस्या आएगी वो लोग मेरा नंबर से संपर्क कर सकते हैं और मैं उन लोगों का ई पंजीकरण भर सकूँ। और मैंने अभी तक 60 पंजीकरण कर दिए हैं, 60 ई पंजीकरण कर दिए हैं, और कम से कम 200 लोगों को परामर्श दिया है और दे भी रहा हूं, जिनका फ़ोन मुझे आ रहा है मैं उन लोगों को परामर्श भी दे रहा हूं। प्रदेश में कोरोना की स्थिति को देखते हुए कई सामाजिक संस्थाएं तथा कोरोना वॉरियर्स आगे बढ़कर समाज के ज़रूरतमंद लोगों को सहायता प्रदान कर रहे हैं। ऐसे ही कोरोना वॉरियर पर देखिए हमारी यह रिपोर्ट। कोरोना वायरस संक्रमण की आशंका के चलते देश भर में चल रहे लॉकडाउन के दौरान हजारों मजदूर और असहाय लोग जगह जगह फंसे हुए हैं। इन लोगों की मदद को सैकड़ों हाथ भी उठे हैं, जो इनके लिए भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति इस आपातकाल में भूखा ना सोए। कुछ ऐसा ही रायवाला के प्रतीक नगर के ग्रामीण भी कर रहे हैं। ग्रामीण कोरोना वॉरियर बनकर सामूहिक रूप से हनुमान चौक पर गरीबों की रसोई के नाम से यह सेवा कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गरीबों की रसोई विगत 24 मार्च से संचालित की जा रही है। यहां रोजाना 400 से लेकर 500 लोग भोजन कर रहे हैं। इनके लिए भोजन की व्यवस्था ग्रामीण कर रहे हैं। उनके अनुसार सभी ग्रामीण इस रसोई के लिए धन, खाद्यान्न और अन्य वस्तुएं लेकर सहयोग कर रहे हैं। यहां जरूरतमंदों को भोजन से पहले सैनिटाइज किया जाता है और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भोजन दिया जाता है। यहाँ पे सभी गांव के लोगों से मिलकर सबका सहयोग लेके, और हम लोगों ने 24 तारीख से रसोई चलाया हुआ गरीबों की रसोई के नाम से, इसमें सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। प्रतिदिन लगभग 400 से 500 लोग भोजन करते हैं। भोजन उन्हीं लोगों को दिया जाता है जिनका कि राशन कार्ड नहीं है, या फिर गरीब मजदूर लोग हैं जो बाहर से आके यहाँ पर रह रहे हैं और लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। उसके अलावा जो भी प्रशासन से गाइडलाइन जारी किया गया है, जैसे कि सैनिटाइज करवाना, एक एक व्यक्ति का हम हाथ धुलवाते हैं, सैनिटाइज करवाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए और प्रशासन के गाइडलाइन को देखते हुए हम भोजन बांटते हैं। यह जो यक में हमारी संस्था है, ये संस्था हमारी गरीबों की रसोई के नाम से चलने लगी। इनमें जी कोई पार्टी, कोई दल, कोई विशेष पार्टी का कोई लोग नहीं है, सब आपस में मिल गई तो काम से करना, और गांव का सहयोग से सभी लोग राशन पानी एक में देने लगे, सभी का सहयोग से हम लोग ये काम से करना। और हमारे एक में लगभग हर रोज कभी 400 कभी 500 700 तक का लोग आंदा, और अपने सोशल डिस्टेंस में रह गई, हम लोगों को सैनिटाइज करी गई, और तभी वहाँ लोगों से खाने देना, और एक परिवार से एक आदमी होंगे, बाकी अपना परिवार की खातिर एक मिनट खाने लेके जा। रायवाला पुलिस भी इसमें सहयोग कर रही है। देखिए, रायवाला जनपद हरिद्वार जनपद देहरादून का बॉर्डर है। इस क्षेत्र अंतर्गत राजाजी नेशनल पार्क भी है, नदी भी है। तो हम जो उच्चाधिकारी और शासन द्वारा जो निर्देशित किया गया, हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा स्पष्ट निर्देशित किया गया कि बॉर्डर 100% सील रहेंगे, किसी भी तरीके का आवागमन नहीं होगा सिवाय अनुमति धारकों को छोड़ के। सर, हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार का व्यक्तियों का आवागमन एक जिले से दूसरे जिले में ना हो, इसके लिए हमने वहाँ अपनी फोर्स पूरी तैनात की गई है, और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए
हम उसको सदन इसकी चेकिंग कर। हमारे थाना क्षेत्र में कुछ मजदूर तबका ऐसा था जो यहाँ काम करने के लिए आया था और जो यहीं फंस गया है, उनकी खाने पीने की पूरी व्यवस्था हम देख रहे हैं, लगातार वो उनकी मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं, लिस्टेड हमारे पास वो हैं, राशन उनको लगातार पहुँचाया जा रहा है, तो उनको किसी भी प्रकार की यहाँ दिक्कत नहीं आने दी जा रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के 8 जनपद एवं देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज में आईसीयू, वेंटिलेटर तथा बाईपैप मशीनों का लोकार्पण किया। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंगलवार 5 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दून मेडिकल कॉलेज समेत प्रदेश के 8 जनपदों के अस्पतालों में तैयार किए गए आईसीयू बेड और वेंटिलेटर्स का लोकार्पण किया। दून मेडिकल कॉलेज में 73 आईसीयू बेड, 46 वेंटिलेटर और 21 बाईपैप मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब 251 आईसीयू बेड, 113 वेंटिलेटर तथा 33 बाईपैप मशीनें स्थापित की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि अल्मोड़ा तथा बागेश्वर में भी अगले सप्ताह तक आईसीयू का संचालन प्रारंभ हो जाएगा। तो कोविड डायरी के इस अंक में मेरे साथ इतना ही, लेकिन चलते चलते बता दूं कि आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। आपके आसपास घटने वाली घटना अगर वो जनता से सरोकार रखती है तो आप हम तक उसे ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। इसके लिए आप हमारा ईमेल नोट कर लीजिए जो कि है hopddkddun@gmail.com और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9634377639। तो फिर होगी आपसे मुलाकात कोविड डायरी के अगले अंक में। तब तक के लिए अखिलेश लिंगवाल को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।